या मोस्टली ज्वाइन नहीं करता बिकॉज मेरा मन हट गया इन चीज़ों से। तुम्हें फ्रेशर्स आओगे तो तुम्हें मजे आएंगे, दूसरे साल मजे आएंगे, तीसरे साल तुम भी कहोगे क्या। सारी दुकानें जल चुकी हैं और गायब भी हो चुकी हैं। तो भाई जी हमारे यहाँ चल रहे हैं कपल गोल्स गलगोटिया में, नहीं हनीमून मनाने। काफ़ी गुप्ता स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी न्यू वीडियो में। गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, एंड मैं अभी आया हूँ अपने होम टाउन कासगंज से सीधे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। कुछ एक दो घंटे का काम था मुझे एंड मैं मैप के चक्कर में उतर गया बहुत पहले। अब यहाँ से थोड़ा पैदल चल के जा रहा हूँ अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, एंड यहाँ पर अभी हाईवे पर ही उतर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं परी चौक से आता तो मुझे टाइम लग जाता। इससे बढ़िया मैंने सोचा कि भाई यहीं पर उतर लिया जाए। अब यहाँ से रास्ता ढूंढते हैं, फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यहाँ से रास्ता है नीचे उतरने की। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से रास्ता है, तो सभी यहाँ से रास्ता ढूंढते हैं एंड उसके बाद बस एक दो घंटे का काम है। आज फेयरवेल भी हम लोगों की, तो फेयरवेल तो आई थिंक शायद ही मैं ज्वाइन ना करूँ, बट अभी काम है तो कर लेते हैं वो वाला। 10 बजे से है हमारे एक। अरे भाई कांटे यार, कांटे ही पैर में लग गए, चलते हैं पहले फटाफट। भाई ये यूनिवर्सिटी एंड यहाँ से पता नहीं यहीं से कहीं से रास्ता है, देखो अंकल जा रहे हैं यहाँ से जाके चलते हैं सीधे यार उधर से। फिलहाल ये रास्ता मिल चुकी है, अंकल हमें लेके जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, चलते हैं फटाफट। बहुत संभाल के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत खतरा लग रहा है मुझे, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। ये वही रास्ता, अगर हल्का सा ही पैर फिसला ना आज काम होने वाला है अच्छा खासा, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा। गाइस अंकल देख रहे हो, अंकल तो चले गए कहीं, मैं ही रह गया। गाइस एक बार ये रास्ता चेक करो, गाइस जैसा होता नहीं है फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं वैसे ही सेम ये रास्ता है भाई, बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। गाइस यहाँ बीच में कांटे भी हैं, देखो भाई 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 भाई, 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 भाई। बस फाइनली नीचे तो आ गए एंड फाइनली हम नीचे आ चुके हैं भाई। यार वाटा रास्ता मौज कर दी। गाइस मैं आ वैसे पहली बार रहा हूँ यहाँ से इस वाले रास्ते से, बिकॉज मैं जब भी आता था मोस्टली परी चौक आता था, बट मैंने सोचा थोड़ा इस बार कुछ अलग कर लिया जाए, तो हम सोच रहे हैं इस बार ऐसे जाते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी। भाई वैसे 2-3 घंटे का काम होता मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, और ये अंकल पता नहीं कितनी सोई से क्यों आई है, हमें तो काम है हम तो इसलिए आए हैं। एंड गाइस मैं 4 बजे से चला हुआ हूँ, हम जल्दी आ गए 7:30 बजे और हमें 10 बजे से काम था। अब देखते हैं 1-2 घंटे क्या करता हूँ, अगर नहीं तो किसी सब्सक्राइबर को बुला लूँगा, देन वो उसके रूम पर चले जाऊँगा होटल में, सबसे बढ़िया चीज़ वहीं आकर सोऊँगा। तो उसके बाद 10 बजे से काम है, उसके बाद वो करेंगे, देखते हैं उसके बाद फिर क्या ही करना है हमें। एंड हुआ तो आज ही मुझे घर जाना है क्योंकि घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है आज भी घर ही चला जाऊँगा। गाइस यार यहाँ तो अभी तो कुछ खुला है नहीं फिलहाल, ठीक है, एंड ना यहाँ पर दिख रहा बच्चा ना बच्चे की जात, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करें, बट फैकल्टी दिखना शुरू हो गई है, ऑटो भी है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, चलते हैं अंदर। एंड अंकल भी मिल गए जो हमें मिले थे चलते हुए। तो गाइस यार फर्स्ट टाइम मैं इतनी सुनसान यूनिवर्सिटी देख रहा हूँ, एक बंदा तक नहीं है, सिर्फ वर्कर आए हैं एंड गार्ड आए हैं, एक बंदा तक नहीं है पूरी। चलो आज यूनिवर्सिटी टूर दे देते हैं थोड़ा, ठीक है चलते हैं अंदर एंड यूनिवर्सिटी टूर देता हूँ फुल, आपको मज़ा आ जाएगा आज के ब्लॉग में। फुल वक्त चौधरी अकेले करूँगा भाई, कोई नहीं है करने दो आज जो करना है। भाई हर इंसान की तरह हम भी करते हैं माता के दर्शन के साथ, दिन शुरू यहाँ पे एंड लो ब्लॉक ही बंद है, पोपट हो गया, जाते हैं उधर से। भाई ये चेक करिए यहाँ पे फी डिपार्टमेंट, यहाँ पे सर पैसा ही पैसा जमा होता है। हम वहाँ से होके जा रहे हैं सीधे कैफेटेरिया, बिकॉज कहीं बैठने की जगह है नहीं, सब ब्लॉक बंद पड़े हैं, कैफेटेरिया तो एक खुला ही होगा भाई, चलते हैं। तो गाइस अभी हम फिलहाल आ चुके हैं अपने फूड कोर्ट में, एंड गाइस एक बंदा नहीं है यहाँ पे सिर्फ वर्कर के अलावा। एंड गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे फूड कोर्ट में अभी नई हुई है, एक चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा सुनसान फूड कोर्ट, एंड हमारे फूड कोर्ट में एक नई चीज़ हुई है, सारी दुकानें जल चुकी हैं और गायब भी हो चुकी हैं। एक आज चल रहा है फेयरवेल पार्टी का, वहाँ पर डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है जो भी मतलब मैनेजमेंट का होता है। अभी मिलाता हूँ आपको एक बंदे से। हे ब्रो, हाँ भाई रहा था क्या रात? नहीं भाई सोया नहीं था, ऐसे ही बस जाना था आज यूनिवर्सिटी से घर।
देख ले भाई देख रहे गाइस, रात भर सोच रहे होगा कि मैं कब जाऊं यूनिवर्सिटी। तो 4 बजे से आऊंगा घर से निकल के, ठीक है। हमारे चाचा आ गए पीआर वाले भाई, चश्मे में देख रहे हो, एंड चाची अपनी उधर है। चाची नमस्ते। तो गाइस अभी मैंने अपना फेस वेस पूरा वाइप कर लिया है, एंड अभी लग रही है बहुत तेज भूख क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तो अभी मैं पीआर से बनवा रहा हूँ छोले कुलचे, अभी सुबह से कुछ बन भी नहीं रहा है, तो उन्होंने फटाफट से अभी छोले कुलचे मुझे बना के दे दिए। एंड बस जस्ट अभी आते होंगे, उससे पहले खाते हैं एंड थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जिस चीज़ के लिए आए हैं। वो चीज़ आपको बाद में बताएंगे, कुछ है रिलेटेड एंड सीजन के बाद कही, मतलब एंड सेशन के बाद कही बताएंगे उस चीज़ पर भी, एक डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे। एंड बस अभी छोले कुलचे खाते फटाफट से भूख लग रही है। यह अभी नहीं जिसके साथ अभी बैठ सको भाई, कोई भी नहीं है, कोई सिंगल बंदा। मैंने अभी सब्सक्राइबर्स को कॉल करी भाई, वो सो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब क्या करूँ उन लोगों को। सबसे बढ़िया मैं अभी कुछ खा पी लेता हूँ, टेन पढ़ लेता हूँ, तो 10 के बीच में सभी लोग मोस्टली आ ही जाएंगे। तो फिर उन लोगों से मिलता हूँ एंड फटाफट से करते हैं अपना काम, चलते हैं। फेयरवेल हो रही है भाई होने दो भाई, हमें कुछ काम है थोड़ा अपना। एंड गाइस जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, मुझे लगता है कि यार फ्रेंड्स के साथ मनाना ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, ठीक है। बट जो क्राउड रहता है ना, उससे भाई सारा मूड खराब हो जाता है मेरा, ठीक है। तो मैं इसलिए मोस्टली ज्वाइन नहीं करता, बिकॉज यार मेरा मन हट गया इन चीज़ों से। एक साल तुम्हें फ्रेशर जाओगे तो तुम्हें मजे आएंगे, दूसरी साल मजे आएंगे, तीसरी साल तुम भी कहोगे क्या चूज़, ठीक है। सारी चीज़ों से मन हट गया है। एंड सबसे बढ़िया लगता है भाई क्लब जाओ, आराम से अकेले खेल करो, वहाँ पे जो करना करो, ऐसा चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। और रही बात कोई सेलिब्रिटी की, बहुत सेलिब्रिटी आते रहते सारे ही क्लब में, तो उन लोगों का इंजॉय कर लेंगे, वो तो अभी चूतिया पर लगने लगा यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं करूँगा। गाइस यहाँ पे यार जितना भी स्टाफ मुझे जितना जानता है, इवन फैकल्टी, मैं लास्ट टाइम अब कुछ आ ही रहा हूँ तो बता ही देता हूँ भाई, इतने अच्छे हैं ना ये लोग, मेरी एक एक चीज़ें सुनते हैं, मेरी एक एक बात सुनते हैं, ठीक है भाई। इवन मैं एक छोटा करियर का बता देता हूँ, एक बंदा था यहाँ का हॉस्टल का भाई, अब तुम समझते हो बंदे यार कुछ मतलब कमी तो रहती है सब बच्चों पर। अब वो बंदा दूध ले गया, वो फट गया भाई, अब लोग चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कह देते भाई अब हमारी गारंटी नहीं है। मतलब मेरे यार इतने सुनने वाले हैं ना वो लोग, मतलब उनने हाल चेंज कर दिया, ठीक है। एडमिशन में अगर कुछ होता है बच्चों को, मैं सर के पास भेज देता हूँ भाई, सर इतनी हेल्प कर देते, फैकल्टी के पास भेज देता हूँ, फैकल्टी इतनी हेल्प कर देती, सभी लोग इतनी हेल्प कर देते भाई, बहुत हेल्पिंग नेचर वाले हैं सारे। बट कुछ बुराइयाँ हैं, वो हम अपने आने वाले पॉडकास्ट में करेंगे, तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो जो भी भलाई है वो मैं कर देता हूँ, बट जो भी बुराई है वो भी मैं कर देता हूँ। बट लोग बच्चे पहले कहते थे भाई आपने बुला लिया यहाँ पे, इतनी बुराइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें मैं पॉडकास्ट में रिलीज़ करूँगा, बिकॉज यार आपको भी टू साइडेड पता चलनी चाहिए, अच्छा ही है और भाई बुराई भी बहुत है, तो बुराई भी पता चलनी चाहिए आपको। अच्छाई मैं ब्लॉग में बताऊँगा एंड बुराई सारी पॉडकास्ट में बताऊँगा अपने, तो बस उसका वेट करिए। कुछ ही दिन मैं यार रिलीज़ करने की सोच रहा हूँ, उसे एक प्रॉपर लोकेशन में नहीं मिल पा रही है हमें शूट करने के लिए, नहीं तो सभी शूट करते हैं। तो गाइस फिलहाल अपने आ चुके हैं छोले कुलचे, एंड मैं आप सभी को भलाई बता रहा था, यहाँ पे देखो चीज़ें गंदी हो रही हैं। अब मैंने भाई से बोला 2 मिनट में यहाँ पे सफाई होने वाली है भाई, यही चीज़ ना मुझे यहाँ से अलग नहीं कर पाती। गाइस ये क्लीन हो चुकी है, एंड ये आप सभी का इतना प्यार होता है ना कि मैं भी कुछ बोलता हूँ आप लोग मना नहीं करता, आप लोग भी कुछ बोलते हैं मैं भी चीज़ के लिए मना नहीं करता। आप सभी के बस प्यार से ही ये दुनिया चलती है, ठीक है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी का प्यार चाहिए, एंड घंटा मुझे पैसे से मतलब नहीं होता इतना, ठीक है। पैसे नीड है बट प्यार ज़्यादा चाहिए होता है। तो गाइस फटाफट से खा लेते हैं ये छोले कुलचे अपने, नहीं तो छूटे हो जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। इससे पहले खा के मिलते हैं आप सभी को। ब्रेकफास्ट करके एंड अभी हमें पीआर के अंदर, एंड ये देखो पीआर वाले पहले पेमेंट करते, एंड बस अभी यहाँ से चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत घूमते हैं, हमारा 10 बजे से काम है एंड 9 बज चुके हैं। जी फ्री की रस्ती आई है अपने रोहित भाई की तरफ, छोले कुलचे के नहीं दिए थे क्या, उसके साथ फ्री नहीं दोगे, उसके साथ ही रस्ती फ्री है। और अगर ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, अगर कोई मेरा नाम ले फ्री मिलेगी उससे। तो भाई अभी हमारे साथ हैं रेसर सिंह, नशे की हालत में भाई। रेसर भाई तुम्हारे कुछ ब्लॉग नहीं आ रहे अभी, नशे में चल रहे हैं। एंड रोस्ट कैसा लगा? बढ़िया, मज़ा आ गया रोस्ट में। वैसे सोच के क्या नाम रखा था रेसर सिंह?
पीछे एक कहानी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, छोटी सुनाने नहीं चाहते। मत सुनाओ, बहुत बुरी लगी बस ऐसे ही देख के। हम घूम रहे थे सी ब्लॉक में एंड प्रेशर से चूना लगाने के लिए नई चेयर्स आ चुकी हैं आप सभी के लिए। मुबारक हो आप गलगुटिया में आने वाले। सिर्फ जानबूझ के इसलिए खड़ी है बिकॉज यहीं पे अपना एडमिशन सेल एंड यहाँ पे अपनी बस खड़ी रहती है दिखावा। गाइस अभी हम फिलहाल जा रहे हैं थेरेपी लेने बिकॉज यार मेरे एक हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इतने दिन से एक हाथ में दर्द हो रहा था तो आज थेरेपी लेने आई चुके हैं फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम भी था एंड सर से मेरी बात हुई थी, वो 9:30 बजे आने की बोल रहे थे तो बस थोड़ी देर में सर भी आने वाले हैं, देन हम थेरेपी लेते हैं उसके बाद चलते हैं 10 बजे की हमारे टेस्ट है उसका देने एंड बस आधे घंटे में थेरेपी हो जाए बस। हाँ बहुत दर्द कर रहा है। गाइस यहाँ चली मेरी एक्सरसाइज, यहाँ देखो इन लोगों की एक्सरसाइज एंड अपने रेसर भाई। किस पे ये इल्जाम है, आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही। अरे कुछ नहीं नाटक है। तुम जा रहे हो तो वापस आना, आइसिंग और जॉब का इंटरव्यू देना था और यहाँ पे ये हालत हो गई है। हैशटैग कूल फीलिंग कूल 69 hours feeling sleepy with 69 hours. अपनी फिलहाल अभी थेरेपी हो चुकी है एंड अभी हम चलते हैं सीधे अपने शेफ के लिए जो कि हमारा 10 बजे एंड 9:55 हो चुका है तो बस फटाफट चलते हैं। कोई भी चीज़ फ्री में होती ही नहीं है यहाँ पे। हाँ गाइस कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, सब 20 रुपये है, मतलब सब 20 रुपये में क्या नहीं है। पढ़ाई तो बहुत महंगी है, 1 लाख की है, ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है एंड बस अपने ये कुछ निशान पड़ चुके हैं इस चीज़ के, आई थिंक दिख रहे हूँ, बस चलते हैं फटाफट से क्लास में एंड उसके बाद बताते हैं देखते क्या करते हैं। गाइस फिलहाल अपना अभी एक टेस्ट हो चुका है एंड चलते हैं सीधे घर फटाफट से, बट बहुत तेज भूख लग रही है उससे पहले कुछ खा लेते हैं घर। एंड गाइस आज पता चल रहा है कि हमारे बी ब्लॉक में भी ठंडा पानी आना शुरू हो चुका है। वेलकम फ्रेशर्स गाइस, वेलकम फ्रेशर्स गाइस। अभी मैं आया था यहाँ पर सॉफ्टी वाली शॉप पर एंड यहाँ पर एक बार भंडारा देखो किस तरह चलता है, ये सॉफ्टी का भंडारा है भाई और हमारे सॉफ्टी के वो है इंचार्ज। तो भाई जी सारी चीज़ों के साथ अपना सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर।